हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या डिगातामध्ये स्वागत करतो. हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका डिगातामध्ये स्वागत करता हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू सी सीक्रेट्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन मराठी. जी हाँ, आज हम लोग देखेंगे जो मराठी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और उस स्कोर करने के लिए क्या क्या सीक्रेट्स रहने वाले हैं. तो आज का वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको मराठी का पेपर बहुत ईजी जाने वाला है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं मराठी के पेपर में. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मेरा पिछली वीडियो था जिसमें मैंने आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने के लिए सीक्रेट्स बताए थे, उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके पेपर में आपको 6 सेक्शंस रहने वाले हैं. जी हाँ, तो आज के पेपर में, मतलब आज का वीडियो में जो मराठी का सीक्रेट्स बताऊंगा उसमें हमारे पास 5 विभाग रहने वाले हैं, 5 सेक्शंस रहने वाले हैं और सेक्शंस को मराठी में विभाग कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं विभाग क्रमांक 1 से. तो विभाग क्रमांक 1 इज गद्य. गद्य को इंग्लिश में बोलेंगे पैसेजेस. ठीक है, अब गद्य में दो रहने वाले हैं, पठित गद्य अपठित गद्य. कौन से दो रहेंगे? पठित गद्य और अपठित गद्य. पठित गद्य इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्चुअल पैसेजेस इन इंग्लिश. ठीक है, पठित गद्य को हम लोग इंग्लिश में टेक्स्चुअल पैसेजेस कहेंगे और आपके मराठी के पेपर में आपको 2 पठित गद्य आने वाले हैं, मतलब पूछने वाले हैं. दोनों भी सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. तो ये पठित गद्य में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पहले मैं बताता हूँ आपको. मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे और एक आपका हॉट्स का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन रहने वाला है. अब इसमें एक सीक्रेट क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके पठित गद्य के, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. बस इसके लिए एक चीज चाहिए, वो है आपका प्रैक्टिस. प्रैक्टिस अगर करते हो उस टाइप के पैसेजेस सॉल्व करने के लिए, तो आप फाइनल एग्जाम के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें के, वो इजीली सॉल्व करके उसमें फुल मार्क्स लेके आ सकते हो. समझ में आया ये सीक्रेट? आगे अपठित गद्य. अपठित गद्य एक रहने वाला है एंड अपठित गद्य इज ऑल्सो नोन एज नॉन टेक्स्चुअल पैसेजेस. इंग्लिश में इसको हम लोग नॉन टेक्स्चुअल पैसेजेस कहेंगे और उसमें भी आपको एक ही गद्य, मतलब एक ही पैसेज पूछा जाएगा. उसमें सारे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन दी पैराग्राफ. ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो सारे पैराग्राफ के बेस्ड ही रहने वाले हैं. ये भी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी, मतलब उतने अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो और उतने ज़्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो. समझ में आया यहाँ तक? अब बढ़ते हैं अगले विभाग के लिए, मतलब अगले सेक्शन के लिए. अगला विभाग इज पद्य. ठीक है, ये था गद्य विभाग क्रमांक 1. विभाग क्रमांक 2 इज पद्य. पद्य इज ऑल्सो नोन एज पोएट्री इन इंग्लिश. जी हाँ, इंग्लिश में हम लोग उसको पोएट्री बोलते हैं. अब पद्य में भी दो रहेंगे, अपठित पद्य पठित पद्य. अब इसमें उल्टा है. उल्टा है मतलब क्या, मैं बताता हूँ. अपठित पद्य एक है और अपठित पद्य में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखिए कैसे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है और एक जो है वो हॉट्स का क्वेश्चन भी रहने वाला है. तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप सही सही आराम से सॉल्व कर सकते हो. बस एक ही चीज की जरूरत होगी, दैट इज ओनली प्रैक्टिस. जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा इजी जाएगा, उतने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. समझ में आ रहा है आपको? यही तो सीक्रेट है, प्रैक्टिस करना है आपको. ओके, इतना समझ में आया. नेक्स्ट पठित पद्य. ठीक है, पठित पद्य में 2 दिए जाएंगे, उसमें से 1 सॉल्व करना है. अब पठित पद्य में पद्य तो देंगे नहीं, उसमें आपको उसका टॉपिक देने वाले. ठीक है, कोई भी 2 पोयम आपके टेक्स्ट बुक में जो है उसके 2 टॉपिक्स देंगे, 2 नाम देंगे पोयम के, और आपको उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. समझ में आया? थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना, ये है ही डिफरेंट क्वेश्चन. 2 टॉपिक्स देंगे, उन टॉपिक्स में से कोई एक को सिलेक्ट करना है जो आपके टेक्स्ट बुक में से रहने वाले हैं और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे नॉर्मल क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है. अब नॉर्मल क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे, फॉर एग्जांपल पोयम का कवि कौन है. ठीक है, पोयम इस कहानी में, सॉरी इस पोयम में कहना क्या चाहता है, मतलब सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, उसके बाद है कि इस पोयम से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलता है. ठीक है, उसके बाद उस पोयम में जो शब्द है उनके क्या अर्थ रहने वाले हैं, कुछ शब्द देंगे आपको, पूछेंगे उनके मीनिंग्स, शब्दार्थ पूछ सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन से आपको पूछने वाले हैं. समझ में आया? नाउ विभाग 1 विभाग 2 क्लियर हो गया. अब हम लोग बढ़ेंगे विभाग 3, दैट इज सेक्शन 3 के लिए.
सेक्शन 3 इज स्थूल वाचन। आप लोग को भी थोड़ा सा नया नया लग रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली स्थूल वाचन मतलब क्या है। अब स्थूल वाचन में आपको स्वमत या फिर अभिव्यक्ति लिखना है। स्वमत मतलब क्या और अभिव्यक्ति मतलब क्या, ये दोनों भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्वमत मतलब आपको सेल्फ ओपिनियन देना है, ठीक है। एंड अभिव्यक्ति मतलब यू हैव टू एक्सप्रेस थॉट्स ऑन ए गिवन टॉपिक्स। सेल्फ ओपिनियन भी आपको गिवन टॉपिक पे ही देना है, एक्सप्रेस करना है आपके थॉट्स वो भी एक गिवन टॉपिक पे ही करना है। समझ में आया, दोनों भी चीज आपके टॉपिक्स दिए जाएंगे उसमें ही करना है। तीन टॉपिक दिए जाएंगे उसमें से कोई भी दो टॉपिक के ऊपर आपको सॉल्व करना है। समझ में आया आपको स्थूल वाचन क्या है। अब स्थूल वाचन भले ही आपको नया नया लग रहा होगा, बट स्थूल वाचन को आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और उसको समझोगे ना तो ये इजी है स्कोर करने के लिए, ठीक है। उतना डिफिकल्ट नहीं है, जिसके पास अच्छी राइटिंग स्किल्स है ना वो स्थूल वाचन में आउट ऑफ भी ला सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विभाग क्रमांक 4। विभाग क्रमांक 4 इज भाषा अभ्यास, और भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे इजीएस्ट स्कोर वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें आप बहुत बढ़िया या फिर कभी कभार आउट ऑफ भी स्कोर कर सकते हो। जी हाँ, मराठी के पेपर में जो ग्रामर वोकैबुलरी है उसमें आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहले ग्रामर देखेंगे। ग्रामर में तीन ही टॉपिक है, वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार। तीनों टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, ऊपर में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद वोकैबुलरी में भी तीन टॉपिक्स दिए, दैट इज शब्द संपत्ति, लेखनी नियमानुसार लेखन और विराम चिन्ह, ठीक है। यही तीन टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिस 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 करने के बाद आप भाषा अभ्यास में जरूर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसमें सीक्रेट यही रहेगा कि वाक्य प्रचार के कुछ 20-30 क्वेश्चन, वाक्य रूपांतर के कुछ 20-30 क्वेश्चन, वाक्य प्रचार के कुछ 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इन द सिमिलर पैटर्न यू हैव टू सॉल्व अराउंड 20-30 क्वेश्चंस ईच ऑफ दीज थ्री टॉपिक्स ऑल्सो। उसके बाद देखिएगा आराम से आपको आउट ऑफ मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं विभाग क्रमांक 5, दैट इज उपयोजित लेखन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विभाग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द लैंग्वेज पेपर, दैट इज मराठी। इसमें बहुत ज्यादा लिखना है आपको, और कैसे लिखना है मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ओके। सबसे पहले अ आ ई, ऐसे तीन विभाग है विभाग क्रमांक 5 में भी। सबसे पहले विभाग की बात करते हैं जिसमें आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन पूछा है। सारांश लेखन इज समरी राइटिंग, ठीक है। पत्र लेखन में भी दो रहेंगे आपको, औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। वो दोनों में से कोई एक लिखो या फिर सारांश लेखन ऑप्ट कीजिए, ठीक है। अब मेरी मानो, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, यू शुड गो फॉर सारांश लेखन। व्हाई? बिकॉज इन सारांश लेखन यू हैव टू राइट वेरी लेस अमाउंट ऑफ आंसर कंपेरेटिवली टू द पत्र लेखन। जी हाँ, सारांश लेखन में आपको बहुत कम अमाउंट में जो है वो आंसर लिखना है, कंपेयर करोगे पत्र लेखन से। अब अमाउंट में तो कंपेयर नहीं करूंगा, बट मैं बोल सकता हूं आप यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो। सारांश लेखन लिखकर टाइम सेव कर यहाँ के जो आगे के टॉपिक्स है उसमें वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इतना आसान भी नहीं है सारांश लेखन लिख के आउट ऑफ मार्क्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना। सारांश लेखन लिखना यानी कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रहना चाहिए वो बहुत प्रॉपरली रहना चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट आप समरी किसी चीज का दे रहे हो, ठीक है। कोई पैराग्राफ का समरी आप दे रहे हो, तो समरी देना है तो बहुत प्रॉपर रहना चाहिए, इतना ध्यान में रखिएगा। अगेन प्रैक्टिस करोगे ये सारांश लेखन का तो आप इसको मास्टर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गो फॉर सारांश लेखन। उसके बाद आ, विभाग आ। आ में तीन चीजें हैं, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, कथा लेखन, और इन तीनों चीजों में से कोई भी दो आपको ऑप्ट करने हैं, मतलब कोई दो आपको लिखने हैं। समझ में आया? अब इसमें सजेशन मेरा ये रहेगा, सबसे पहले सब लोग जाहिरात लेखन जरूर लिखना, क्योंकि सारे बच्चों में एडवर्टाइजिंग के स्किल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं बट होते हैं। तो आप जाहिरात लेखन लिख सकते हो, क्योंकि सारे बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स रहते हैं, तो आपके जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस कीजिएगा जाहिरात लेखन में। उसके बाद आता है बातमी लेखन एंड कथा लेखन। अब जिन बच्चों को न्यूज़ रिपोर्ट लिखने की आदत है, जो कि इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में भी है,
वो बातमी लेखन लिख सकते हैं जिनको मराठी लिखने की आदत है, नहीं है तो आदत डालिएगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ बातमी लेखन के जो आर्टिकल से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिख के सेंटेंस फॉर्म करिएगा, तब जाके आप बातमी लेखन लिख सकते हो। या फिर किसी बच्चों का कथा लेखन, मतलब स्टोरी राइटिंग में बहुत ज्यादा, मतलब उनका कभी कभी थिंकिंग स्किल बहुत होता है, वो बहुत अच्छे से थिंक करते कोई स्टोरी को, ठीक है, तो स्टोरी रिप्रेजेंट करना भी उन्हें आता है, जो खूब बहुत सारे नॉवेल स्टोरी बुक्स पढ़ते होंगे, वो बच्चे जो है वो कथा लेखन में जा सकते हैं, वो अपना खुद का एक स्टोरी विद इन द वर्ड लिमिट्स फॉर्म कर सकते हैं विद राइट सेंटेंस फॉर्मेशन एंड राइट ग्रामर। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना, करेक्ट ग्रामर चाहिए और करेक्ट आंसर फॉर्म सॉरी सेंटेंस फॉर्मेशन जरूरी है, इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं विभाग ई में। अब विभाग ई में तीन टॉपिक दिए, प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक लेखन। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्ट करना है, इसमें अगेन माय सजेशन विल बी प्रसंग लेखन कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप सारे बच्चे, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस बताना हो किसी को, आपके दोस्त को, कलीग को, फ्रेंड्स को, या फिर अपने भाई बहन को, तो आप एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म करके बताते हो, तो वही जो एक्सपीरियंस बताने का स्किल है आपको यहाँ पे लाना है, जो कि होगा आपका प्रसंग लेखन में। तो प्रसंग लेखन में आपको एक्सपीरियंस ही लिखना है, वो थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा, तो इसी वे में आप प्रसंग लेखन को ऑप्ट कीजिएगा। तो यही सारे सीक्रेट टिप्स थे जो कि आप फॉलो कर सकते हो, जो कि मेरे तरफ से आपके लिए रहने वाला है। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जरूर एक लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।